साद अली शाह चवाए तो सिंध के बिन लख घरन के सोलराइज करे रहा है। अक्टूबर ताई 50,000 सोलर सिस्टम लगाया वेंदा चाहूँ था तो 20 लख घर के सोलराइज क्यों पर वजीर सैयद मुराद अली शाह चवाए तो सिंध के 2 लख घर के सोलराइज करे रहा है। अक्टूबर ताई 50,000 सोलर सिस्टम लगाया वेंदा चाहूँ था तो 20 लख घर के सोलराइज क्यों सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक के माली सहकार से शुरू करे रहा है। 2 लाख घरों को सोलर होम रूफटॉप सिस्टम देने हैं और इनकी जो सिलेक्शन है उसमें भी हमने पूरे सिंध में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू जो 0 से 20 पॉवर्टी स्कोर कार्ड के लोग हैं उनको सेलेक्ट किया है। दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट करने जा रही हैं 20 लाख घरों का जो हमें असिस्ट कर रही हैं उन्हीं को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हीं को हमने काम दिया है कि ये जो 6,000 से 6,500 के करीब हर डिस्ट्रिक्ट में लोग होंगे उनको आइडेंटिफाई करें ताकि वो ट्रांसपेरेंट तरीके से उनको दिया जाए ये सोलर होम रूफटॉप। चौथी हमारी एक कैपेसिटी बिल्डिंग की भी कंपोनेंट है इसमें, जिसमें हम 300 सोलर टेक्नीशियंस ट्रेन कर रहे हैं 10 डिस्ट्रिक्ट्स में, वो कंप्लीट हो चुके हैं। 600 और हम बाकी 20 डिस्ट्रिक्ट्स में हम ट्रेन कर रहे हैं। हमने सोलर टेस्टिंग लेबॉरेटरीज NED यूनिवर्सिटी कराची और मेहरान यूनिवर्सिटी जाम शुरू में सेटअप कर रहे हैं। कराची में वे वजीर सैयद मुराद अली शाह सिविल होम सिस्टम वाहिदे की तकरीब के खिताब कंदे आलमी बैंक इन प्रोजेक्ट में $100 मिलियन की फंडिंग कर रही है। सोलर सिस्टम में एक पखो ए 3 बल्ब हली सकन था। वे वजीर चो तो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड घरानन के इन सिस्टम में शामिल किया वो। यह मनसूबो क्लीन एनर्जी मुहिम जो हिस्सो है। सिंध में सोलर लेबॉरेटरी ठाण जो भी फैसलो किया वो है। पहले मरहले में 400 मेगावाट बिजली के लिए जमीन हासिल कई है। ये जो 2 लाख हम सोलर होम्स प्रोवाइड कर रहे हैं इसके अंदर भी कुछ हिस्सा लोगों का भी होगा, इसलिए कि हम चाहते हैं कि ओनरशिप हो। मेरे ख्याल है 7 से 10 हज़ार के दरमियान उनकी इन्वेस्टमेंट होगी रुपए की, बाकी हुकूमत सिंध उनको प्रोवाइड करेगी। और इसका पूरा एक मैकेनिज्म रखा है ताकि इसको ट्रांसपेरेंट तरीके से दिया जाए और इनका इस्तेमाल भी हो और वो लोगों के ऊपर जो इस वक्त बिजली का बिलों का सख्त बोझ है वो 2 लाख घर मुस्तफीद होंगे सूबे के। ये शुरुआत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, सोलराइज करने के लिए और सस्ती बिजली देने के लिए जो सारे प्रोग्राम्स हैं। एनर्जी डिपार्टमेंट इस पर तंदेही से काम कर रही है और इंशाल्लाह ताला हम बाकी प्रोग्राम्स को भी जल्द से जल्द, और ये आज मुझे खुशी हो रही है कि सिंध पहला सूबा है जिसने तेज़ी से काम करते हुए और इस प्रोजेक्ट को कम्प्लीशन पे फ्रूशन पे ले आए हैं कि हम इंशाल्लाह अगले कुछ हफ्तों में ये डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देंगे। इस वक्त जो हम सिस्टम्स दे रहे हैं उससे एक पंखा, 3 बल्ब और एक बैटरी जो मोबाइल वगैरह चार्ज करने के लिए काम आएगी, ये एक सिस्टम हम हर घर में दे रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है जो इस वक्त बिजली का बहरान है और बिजली के बिलों का बहरान है, इस स्कीम के बाद सिंध सूबे के 2 लाख घर तो मुस्तफीद होंगे, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है और आगे जाके हम और इसी किस्म की स्कीम्स कर रहे हैं। और इसके लिए हमने ख़ास तौर पे अपने सूबे की बजट में एक अच्छी खासी ब्लॉक एलोकेशन रखी हुई है 5 अरब रुपए की। और इसके साथ साथ हम इंटरनेशनल एजेंसीज से भी, ग्रीन क्लाइमेट फंड से बात कर रहे हैं, हम बाकी डोनर एजेंसी से बात कर रहे हैं। ख़ास तौर पे जो हम 20 लाख घर बनाने जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि इन 20 लाख घरों को हम सोलराइज करें ताकि वो गरीब लोग जिनको सैलाब में सब कुछ उनका ख़त्म हो गया था उनको घर के साथ छत के साथ साथ बिजली की रिलीफ भी मिले। सिंध के वे वजीर सैयद मुराद अली शाह चो सिंध में कोयले जा वड़ा जखीरा घर में सब का सस्ती बिजली फराहम कई पी वे। वे वजीर सैयद मुराद अली शाह चो सिंध हुकूमत 2 लख घर के सोलर पैनल फराहम कर चाहे थी। BISP रजिस्टर्ड घरानन के इन सिस्टम में शामिल किया वो। वे वजीर सैयद मुराद अली शाह चो तो हाँ आलमी बैंक के सहकार से सब्सिडी की रकम 80% तई वधाई वही है। यह मनसूबो क्लीन एनर्जी मुहिम जो हिस्सो है। वे वजीर सैयद मुराद अली शाह चो तो ग्रीन पावर प्लांट से सस्ती बिजली आवाम के मिली। सिंध में नौजवान के सोलर टेक्नीशियन की तरबियत भी दई रहा हूँ।
हवास सरबराह इस्माइल हानिया की शहादत के हवाले से ईरान के पासदारन इनकलाब अहम इंकशाफ किया है। ईरान के मीडिया मुजिब ईरान के खसूसी फौज सिपाही पासदारन इनकलाब पांजी जांच में बुधाया वाय हमास सरबराह इस्माइल हानिया के शॉर्ट रेंज प्रोजेक्टाइल से शहीद किया वो मिजाइल में 7 किलोग्राम जो वॉरहेड इस्तेमाल किया वो। हमास अगवान इस्माइल हानिया के शहादत के हवाले से ईरान के पासदारन इनकलाब अहम इंकशाफ किया है। ईरान की मीडिया मुजिब ईरान के खसूसी फौज सिपाही पासदारन इनकलाब पांजी जांच में बुधाया है हमास सरबराह इस्माइल हानिया के शॉर्ट रेंज प्रोजेक्टाइल से शहीद किया वो मिजाइल में 7 किलोग्राम जो वार हेड इस्तेमाल किया वो। जांच मुजिब इन मिजाइल के हमास अगवान इस्माइल हानिया के रहाइशगाह के वेझो फायर किया वो। पासदारन इनकलाब जो वधिक चवण है तो ये हमलो इसराइल मुजरम अमरीकी हुकूमत के हिमायत से किया हो जैसे ईरान जो शदीद रद्द अमल मुनासिब वक्त ते हुंदो। वाज़ह रहे ते पास्तारान इनकलाब जो खुसूसी इंटेलिजेंस यूनिट वाक़े जी जांच करे रही है। याद रहे ते 31 जुलाई ते ईरान के गादी वाले शहर तोरान में अगूणन फौजन के लिए जोड़ियल पास्तारान इनकलाब की एक महफूज तरीन इमारत में हमास सरबराह इस्माइल हनिया के पुरसरार अंदाज में निशानो बनाए हुए हो। ईरान हमास इस्माइल हनिया की शहादत जो जिम्मेवार इसराइल के करार दिनो है। वालर फलस्तीन की मुजामती तंजीम हमास के अगवान इस्माइल हानिया की शहादत का नवा तफसील सामू अची वाया। ईरान ही पाकिस्तान में हमास के नुमाइंदे डॉक्टर खालिद अल खुदूमी शहीद इस्माइल हानिया के हमले वाली रात बाबत नवा इंकशाफ किया है। खालिद अल खुदूमी उन इमारत में रहो जिते इस्माइल हानिया से हमलों कर खेस शहीद किया वो। ईरानी सरकारी न्यूज़ एजेंसी इरना मूजिब पांजे इंटरव्यू में डॉक्टर खालिद अल खुदूमी न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के रद्द कर छो है। उन्हें बुधाया रात 1:37 से सजी इमारत इं धुबण लगी जी मूँ समझो तो कोई जिलजिलो आयो है या खेवण किरी है पर दरी खोले बाहर डिठो तो बरसात जा के भी आसार न हुआ हवा भी गरम पे लगी। खालिद अल खुदूमी बुधा तो फौरी तौर पर कमरे का निकतो तो धुओं डिठाई शहीद इस्माइल हानिया वे कमरे दा चौथी मार से वही डिठो तो भित छत किरियल हुई। खालिद अल खुदूमी चयो तो कमरे की हालत शहीद इस्माइल हानिया की लाश में जाहिर थो पे तो यो हवा में किरायल कें शे या मिजाइल हमले जो नतीजो है। हमास के नुमाइंदे डॉक्टर खालिद अल खुदूमी अमरीकी इसराइली मीडिया के उन खबरों के गुमराह कदड़ करार दई छो है जिन में चयो वो तो इस्माइल हानिया के बिस्तरे हेठा बम रखो वो। जमीनी हकीकतों न्यूयॉर्क टाइम्स इसराइली फौजी के तर्जमान के कहानियों का मुख्तलिफ। बरतानवी अखबार दावा किया है इसराइली एजेंसी इस्माइल हानिया के कतल करने लाए ईरानी एजेंट्स के इस्तेमाल किया वो। बरतानवी अखबार दावा किया है इसराइल के गुझे एजेंसी मुसाद ब ईरानी सिक्योरिटी एजेंट्स जरिए फलस्तीनी मुजामती तंजीम हमास के सियासी विंग के सरबराह इस्माइल हानिया पारा इस्तेमाल थन्दड़ गेस्ट हाउस के टिन कमरन में धमाकेदार मादो नस्ब किया हो। बरतानवी अखबार मूजिब इस्माइल हानिया अक्सर एक ही इमारत में रहंदो हो। असल मनसूबो यो हो तो इस्माइल हानिया के मई में कतल किया वे हाँ जैसे हु ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के जनाजे में शिरकत कई पर उन वक्त ऑपरेशन न किया वो छाकाण त नाकामी जहा खदशा तमाम घना हुआ इमारत में माहुन जो वलो अंग मौजूद हो। बरतानवी अखबार दावा किया है तो ईरानी इख्तियारन वट इमारत जहा सीसीटीवी मौजूद आन जैमें एजेंट्स के कमरन अंदर तेजी से ईंदे बींदे ऐसी सकें तो। बरतानवी अखबार दावा किया है तो धमाको कदड़ एजेंट ईरान छड़े चुको हो पर जो तालुक ईरान में एक साथी से हो धमाकेदार मादो ईरान का बाहर रिमोट कंट्रोल जरिए तबाह किया वो जैसे जांच दौरान बेन बिन कमरन में धमाकेदार मादो हथ किया वो है। पासदारान इनकलाब के एक अहलकार के हवाले से बरतानवी अखबार दावा किया है तो इनके यकीन ना है तो मुसाद अंसार अल महदी हिफाजती यूनिट से ताल्लुक रखन के एजेंट तौर ते इस्तेमाल कयो जो आला तरीन ऑफिसर की हिफाजत मुकर्रर हुंदा है। जमीयत उलमाए इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान कतर में फलस्तीन हमास के अगवान से मुलाकात करे इस्माइल हानिया की शहादत ते ताज़ियत कई। मौलाना फजल रहमान दोहा में हमास अगवान खालिद मशल से मुलाकात करे इस्माइल हानिया की शहादत ते सानस दुख वंडियो। मौलाना फजल रहमान गजा में शहीद थियल फलस्तीनियन के लिए फातिहा ख्वानी कई। उन दौरान मौलाना फजल रहमान चयो इस्माइल हानिया की शहादत से मुस्लिम दुनिया डुखयल है संदस खून रायगा न वो। मौलाना फजल रहमान चयो इस्माइल हानिया की शहादत से फलस्तीन के आज़ादी वाली जिद्दोजहद वधिक मजबूत थी। मस्जिद अक्सा के यहूदी कब्जे में आज़ाद कराण मुसलमानन ते फर्ज है। जेयूआई सरबराह चयो त इस्माइल हानिया की शहादत से इसराइल खिलाफ पाकिस्तान में एहतजाज किया वो। जेयूआई मेंबरन कौमी असेंबली सेनेट केपी ए बलोचिस्तान असेंबली में बठहराव पेश किया। सिंध के मुख्तलिफ इलाक में किथे हल्की किथे तेज बरसात सबब हेठाई वरण इलाक में पानी बीजी वो केतर इलाक में बिजली बंद थी वही।
कराची, हैदराबाद, सखर, लाड़कानो, शहीद बेनजराबाद ए मीरपुर खास डिवीजन के नंढन वडन शहर में बरसात पई, जैखा पोए मौसम वणंदड़ बणजी वई। जाम शोरो कंबरशेदात कोट, दादू, मरकोट, सखर, रोड़ी, पनवाकल, सांगी, खैरपुर, पियागोर, सोबदेरो, नारो, चूनको, बबरलोई, बोजदार, वडा, नेपार जा सेठार जा सगियो में मीह वो। नौशोरा फिरोज, खानवान, पटीदन, ठारूशा, बिरया सिटी, हालाणी, दरिया खान, मरी, बांधी, मदेजी, हुमायूं शरीफ, कंदरा, सांगड़, खिपरे, चौधगी, सरहाड़ी, पिरूमल, चोटियारी, वर्कशॉप, जाम नवाज अली में बरसात पई। सेवण, लखी गुलाम शाह, नसीराबाद, वगण, गाजी खावर, लालू रांक, मेहड़, मोहनजो दड़ो, डोकरी, बाडरह, कंदकोट, कश्मूर, बख्शापुर, गौसपुर, मुरीद, शाख, काजी अहमद मनहड़ में मीह पवण का मौसम वणंदड़ बणजी वही। मटियारी, हाला, न्यू सैदाबाद, उडेरो लाल, सकरण, पथोरो बेन इलाक में पिण वसकारो थो। दादू, टंडो, रहीम खान ए थाने बुला खान समेत कोहिस्तान के मुख्तलिफ इलाक में मीह सबब हेठाई वे इलाक में पानी वेजी वो जडे केतरा फीटर ट्रिप थियण सबब बिजली फरहमी मुअत्तल थी वही। नबीसा रोड, मिठी, मीरपुर, बुरडो, रिपड़ी, कुंभ ए बेन इलाक में वसकारे का गर्मी जोर खटी वो। बरसात का फीटर स्ट्रिप थियण सबब सिंध के मुख्तलिफ इलाक में बिजली बंद थी वही है, जडे त रोड रस्तन से गोडे जो पानी वेजी वो। बेतरफ मौसमियात खातिर चवण है सिंध ए पंजाब में इंदड़ 24 कलाक दौरान गजकोट से बरसात पैजी सके। नाजरीन, सिंध में मकानी दारन वे वजीर सईद गनी है तो बरसात में सिंध वासन जो परेशानियों घट कर कोशिशों कर रहा हूं। सूबाई वजीर सईद गनी जी मीडिया से गाल बोल जा तफसील इन रिपोर्ट में। इदारन वाले वजीर सईद गनी है तो बरसात में सिंध वासन जो परेशानियों घट कर कोशिशों कर रहा हूं। हैदराबाद में मीडिया से गाल बोल कंदे मकानी इदारन वाले वजीर सईद गनी तो जैसे बरसात पई तो दुखियाँ पेश इंदियं असाने सिस्टम में एतरी सलाहत ना है जो तुरंत पानी निकाल कर सके। शुक्र है अभी तक इतनी बारिश नहीं हुई कि जिससे बहुत ज्यादा परेशानी कोई हो। हम ये तो नहीं कहते कि जी बिल्कुल मुश्किल नहीं होंगी, बहुत ज़्यादा बारिशें हुई तो मसाइल ज़रूर होंगे। उन मसाइल को कम करने के लिए हम चाह रहे हैं कि तमाम इदारे आपस में मिलकर काम करें। हमारे मुल्क में सिर्फ वासा नहीं, ऐसे कई इदारे हैं जो शायद अपनी जिम्मेदारियां ठीक तरीके से अदा नहीं कर रहे हैं और ज़ाहिर है उसके अंदर बहुत सारे मसाइल पैदा हो गए हैं और वो अगर कोई ये तवक्को करे कि विद इन अ वीक या विद इन फ्यू मंथ्स जो है वो ओवरकम हम कर जाएंगे वो मुमकिन नहीं है। सिंध के मकानी इदारन वाले वजीर सईद गनी चयो तरक्की याफ्ता मुल्कन में भी वसकारन में पानी बेजी वेंदो आहे। सूबाई वजीर सईद गनी चयो ता शदीद वसकारन की अक्कत ही कई हुई है, मई महीने का तैयारियों कर रहा हूं, कोशिश है आवाम के घट तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़े। अब कोशिश हम कर रहे हैं कि ये चीज़ें बेहतर हो जाएं, उसमें बेहतरी आ जाए, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि अगर कोई ये समझेगा कि ये जितने बल्दियाती इदारे हैं वो फौरी तौर पर ठीक हो जाएंगे तो ये कोई इम्कान नहीं है। सूबाई वजीर सईद गनी चो तो पीपल्स पार्टी अवामी पार्टी है जो रुगो आवाम की खिदमत में यकीन रखे थी, हर दुख तोड़े सुख में आवाम से गड आयु। सिंध के आबपाशी वे वजीर डियाम खान शोरो चवण है तो बरसातों दौरान आबपाशी खातों अलर्ट है, जिते जिते बंद कमजोर हैं उन मरम्मत जो कम जारी है। हैदराबाद में मीडिया से गाल बोल कंदे सूबाई वजीर डियाम खान शोरो चवण तो अजा एतरी बरसातों ना पे जिते पॉइंट्स से खतरो है उन कम हली रो है। संदस चवण तो आबपाशी खाते पारा कमजोर बंदन की निशानदही करे कोरेजा भाण बंद, नौशोरो फिरोज में बखरी बंद, लाड़काने में रुक ए मोरिया बंदन की मरम्मत जो कम हली रो है। उन्होंने तो सूरत हाल जरूर खराब है पर अजा तई महाबोर जो खतरो ना है। 2022 में आपाशी खाते डिजास्टर के मोरनो जिते भी सूरत हाल खतरनाक होंगी उते हु पान वींदो। विपासी मां के बताइंदा आलू ते कैमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी जो सदारती उम्मीदवार बणजण लाए पार्टी अगवाण जे घुरबल अंग जी हिमायत हासिल करे वरती आहे। अड़ी रीत कमला हैरिस अमेरिका जे 250 सालन जी तारीख में वडे प्लेटफॉर्म ता सदारती चूंडू वणंदड़ पहिरी औरत आहे जेका भूरे नस्ल मां ना है। कमला हैरिस के बाज़ाब्ता तौर डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार ईंदड़ हफ्ते में नामज़द कयो वेंदो। अमरीकी सदारती उम्मीदवार डोनल्ड ट्रंप 4 सेप्टेंबर ते पंहिंजे हरीफ कमला हैरिस सां बहस लाइ फॉक्स न्यूज़ जी आछ ते इतफ़ाक़ करे वरितो आहे। परडे॒ही मीडिया मूजिबि डोनल्ड ट्रंप कैमला हैरिस सां थियल बहस में भरपूर शिरकत जी शर्त रखी आहे। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनल्ड ट्रंप सोशल मीडिया ते हिकु पैगाम में चयो आहे त फॉक्स न्यूज़ पारां 4 सेप्टेंबर ते कैमला हैरिस सां सदारती बहस जी आश ते इतफ़ाक़ कयो वञे। डोनल्ड ट्रंप चयो आहे त कैमला हैरिस सां बहस करण जा उसूल साॻिया हूंदा। सदारती मुबाहिसो पेंसिल्वानिया में थींदो।